हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं अपने लिए लेने जा रहा हूँ ऑस्कर फिश, और बहुत टाइम से मेरे ऑस्कर फिश लेने का था, बेबी ऑस्कर फिश लेना था मुझे। तो मैं अपने लिए एक बेबी ऑस्कर फिश लेने जा रहा हूँ, एक नहीं मतलब जो मुझे अच्छी लगी वो ले लूँगा। और मेरा चैनल पूरा ऑस्कर फिश के रिलेटेड ही है, जैसे आप लोगों को पता है मुझे ऑस्कर फिश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास एक छोटा टैंक रखा हुआ था, तो मैं सोचा उसमें एक बेबी ऑस्कर क्यों ना पाल लिया जाए। और छोटा सा फिश अपडेट दे दो आप लोग को कि मेरे पास जो दो ऑस्कर फिश थी उसमें से एक मुझे दूसरी को देना पड़ा, क्योंकि उन लोग दोनों बहुत लड़ रहे थे। तो वही है, और अभी मैं जा रहा हूँ बेबी ऑस्कर फिश लेने। तो बढ़ते वीडियो की तरफ और बता दो आप लोग को दुकान पे जाके। हम लोग आ गए एक्वेरियम शॉप पे, और यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा टूर दूंगा इसका, एक्वेरियम शॉप का, और जो मैं अपने लिए ऑस्कर फिश लेने वाला हूँ वो भी मैं आप लोग को बताऊँगा। यहाँ पे तो मैं ऑस्कर फिश ही लेने निकलता हूँ, लेकिन ये एक फिश रेस्क्यू वीडियो बन जाएगी, मुझे नहीं मालूम था। वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहले आप लोग को टूर देता हूँ, बहुत ही प्यारा एक्वेरियम है, आप लोग ये देखिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने पूरा सिनेमैटिक्स में बताया कि मतलब ये शॉप पे क्या क्या कितने ज़्यादा एक्सोटिक फिशेज है, और ये एक्वेरियम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्लांटेड है ये, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैं आप लोगों को बताऊँ एकदम रेयर फिश जो कि ज़्यादा लोग के पास आपको दिखेगी नहीं, इनके पास आर्चरी फिश है, मैं आप लोग को बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं इनके पास आर्चरी फिश है। जो स्क्रीन पे आपको अभी दिख रही है, मैं ये ऑस्कर फिश लेने निकलता हूँ, लेकिन इनके पास थी दो बीमार ऑस्कर फिश, और जो साइज़ मुझे चाहिए था मुझे एग्जैक्ट वही साइज़ मिल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वो बीमार ऑस्कर फिश ले लिया जाए। ऑल दो शॉप ओनर ने मुझे मना किया था, उन्होंने बोला था कि आप थोड़े बहुत दिन बाद ले लो, लेकिन मुझे आज ही लेना था, तो मैं उनको बोलता आप पैक कर दो मैं ले लूँगा, और ये लोग को एकदम अच्छे से ध्यान रखूँगा, ये लोग के लिए मैं घर पे एक क्वारंटाइन टैंक बनाऊँगा जिसमें ये लोग अकेले रहेंगे। तो मैं जल्दी से ये लोग को लेके निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ, और ये लोग ज़्यादा बीमार नहीं थे तो ये लोग थोड़े बहुत दिन में ठीक भी हो जाएंगे। तो अभी मैं लेके निकल गया अपने लिए ऑस्कर फिश, बेबी ऑस्कर फिश है ये आप देख सकते हैं। और आप लोग सोच रहे होगे इसमें ब्लू क्लोरीन क्यों है, तो
ये जो ऑस्कर फिश है थोड़ी सी बीमार है, और वो जो एक्वेरियम शॉप वाले थे वो लोग मुझे मना कर रहे थे कि अभी आप मत लो, थोड़े दिनों बाद ले लो। मैं और अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, तो अभी घर पे आके लोगों जल्दी से खाली करते टैंक में। यहाँ पर मैं अपने घर में जल्दी से आने के बाद एक्लेमेट कर देता हूँ अपनी फ़िश को, और 15 टू 20 मिनट्स में छोड़ देता हूँ ताकि दोनों का टेम्परेचर सही हो जाए पानी का। 15 टू 20 मिनट्स अपने फिश को एक्लेमेट करने के बाद दोनों का टेम्परेचर तो सेम हो जाता है पानी का, तो मैं वो लोग को छोड़ देता हूँ पानी में और उन लोग को सेट होने देता हूँ। एक दिन उन लोग को लगे यहाँ सेट होने, ताकि उन लोग ये लोग थोड़ा टेंस्ड रहेंगे और ये लोग इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा प्लांट ऐड कर देता हूँ ताकि उन लोग के लिए एक हाइडिंग स्पॉट हो जाए। जब भी इन लोग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, इन लोग थोड़े बीमार भी हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना। शॉर्ट्स के थ्रू मैं आप लोग को इस फिश का अपडेट देते रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।